जमशेदपुर के पूजा स्थल अब असुरक्षित नजर आ रहे हैं, जहां आए दिन किसी न किसी मंदिर में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां शिव हनुमान मंदिर में चोरों ने दान पेटी पर अपना हाथ साफ किया। यहां चोरों ने हनुमान जी और शीतला माता की मूर्ति में लगे सोने के आभूषण और साथ ही दान पेटी को तोड़कर उसमें रखे सारे दान के पैसे लूट लिए। जहां इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी, सभी मंदिर पहुंचे। घटना मंगलवार अहले सुबह घटित हुई है। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मंदिर में चोरी लगातार होते जा रहा है और पुलिस प्रशासन इसमें कोई लाइट लगाते थे, ठीक है ना, कि सकल पहचान आ गया, हम चोरी का पैसा घटता है, इसे कंप्लेन भी किया गया है, हमने समझाया भी गया बहुत बार, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। आते हैं प्रशासन, लिखित देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। लाइट लगाए थे चारों तरफ मंदिर का, कंपार्टमेंट में चारों लाइट चोरी है, मतलब सभी को लाइट चोरी है, पंखा चोरी है, हमेशा का परेशानी करने का हो गया है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं, सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पर नहीं है। पुजारी रहते हैं? पुजारी सुबह शाम आते थे, पूजा करते थे, आज चले जाते थे। आज सुबह भी ये लड़का मुझे पूजा करता, बजरंग बली का सुबह पूजा करने के लिए आया, देखा पूरा आग, आग के अंदर बजरंग महावीर जो बजरंग बली है उसके अंदर पूरा आग के अंदर डिप किया, मतलब तोड़ के निकाला गया है, इतना उन लोग का ये हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ है। जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।